नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं 2024 लोकसभा का पहला ओपिनियन पोल। कल से अब तक 9 राज्यों के नंबर सामने आ चुके हैं। इन 9 राज्यों में लोकसभा की 253 सीटें हैं और 253 सीटों का ब्रेकअप आपके टॉप टैली में है। आप सामने ऊपर देख सकते हैं, बीजेपी गठबंधन 150 का आंकड़ा अभी तक के छू चुका है। अब बारी है देश के सबसे बड़े प्रदेश की, जी हां उत्तर प्रदेश, जहां से दिल्ली की गद्दी का रास्ता जाता है। क्या है उत्तर प्रदेश का मूड? क्या बीजेपी 2014 और 19 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और पिछली बार बीजेपी गठबंधन को 64 सीटों पर जीत मिली थी। तब एसपी और बीएसपी का गठबंधन था और दोनों को 15 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई थी और पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अमेठी में चुनाव हार गए थे। इस बार अब तक का समीकरण बता रहा है कि एसपी और बीएसपी अलग अलग लड़ेंगी, वहीं एसपी इस बार कांग्रेस के साथ लड़ेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगी प्रदेश की सियासी सूरत? फिलहाल गठबंधन का गणित क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। अभी की सूरत में क्या है यूपी की तस्वीर, आज हम ये जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल है जिसमें वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं, और लखनऊ से हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद है। आप सबका स्वागत है। तो आइए सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी दीपा के पास और जानते हैं यूपी का मूड क्या है, यानी यूपी का आंकड़ा क्या कहता है। देखिए, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर के गुजरता है और इसीलिए यूपी अपने आप में बहुत खास हो जाता है। 80 लोकसभा की सीटें इस वक्त मेरी मौजूदगी है, हॉट एयर बलून में ये आप देख रहे हैं। जमीन से 400-500 मीटर की ऊंचाई से अब जो पर्यटक काशी पहुंचेंगे वो काशी दर्शन कर पाएंगे इस तरीके से, और गंगा दर्शन भी वो करेंगे। खास इंतजाम किया गया है हॉट एयर बलून के जरिए पर्यटकों को काशी दर्शन का, पर्यटन विभाग की तरफ से। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो क्या कहते हैं, जल्दी से आप जान लीजिए। 80 सीटें, वोट शेयर किसको कितना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए को 49% वोट शेयर जाता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है सर्वे के हिसाब से। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 35% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी को 5% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 11% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये वोट शेयर सीटों में कितना कन्वर्ट होगा, उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, वो जल्दी से आंकड़ा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 80 लोकसभा की सीटें, सबसे बड़ा सूबा है देश का लोकसभा सीटों के लिहाज से। अब बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है, कांग्रेस सपा को कितनी सीटें यहां पर मिल रही है सर्वे के हिसाब से, वो आंकड़ा आपके सामने है। एनडीए को यहां पर 73 से 75 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 4 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के आधार पर। बहुजन समाज पार्टी को 0 से 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा है। पिछली बार सपा बसपा गठबंधन में थे, 15 सीटें दोनों को मिली थी, 5 समाजवादी पार्टी, 10 बहुजन समाज पार्टी, लेकिन इस बार घाटा बसपा को होता हुआ दिखाई दे रहा है, सीटें 0 से 2। एनडीए को देखिए 73 से 75 सीटें, गजब का उछाल दिखाई दे रहा है। सीधे आपको ले चलते हैं रोहित जी के पास। बिल्कुल दीपा, तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने है। यूपी में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिल रही है सर्वे के मुताबिक। यूपी में बीजेपी प्लस यानी एनडीए को 73 से 75 सीट मिलने का अनुमान एबीपी सी वोटर सर्वे में है। यूपी में समाजवादी पार्टी को 4 से 6 और बसपा को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी को अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 49% वोट मिलने का अनुमान, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 35% वोट मिलने का अनुमान है। तो उत्तर प्रदेश का बड़ा आंकड़ा आपके सामने, और सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रेम जी क्या कहना है, बीजेपी तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में आप 19 का प्रदर्शन भी बेहतर कर रहे हैं अब 24 में, तो इसे क्या कहा जाए, ये डबल इंजन का असर है या क्या इसे कहा जाए? 14 से भी बेहतर। रोहित जी, मैं सबसे पहले सी वोटर का आभार मानता हूं कि सी वोटर हमेशा हमें कम दिखाता है और चुनौती देता है ताकि हम और बेहतर करें। हमको पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 51.4% वोट एनडीए को मिला था,
49.8% वोट अकेले भाजपा को मिला था जी। आप अभी 49% वोट दिखा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जब 2017 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा को मिले थे 40% वोट, जब लोकसभा में हम गए तो मिले 49.8% वोट, इस बार हमको मिले हैं 44.5% वोट। हम जब लोकसभा में जाएंगे तो हमको निश्चित तौर पर 51% से अधिक वोट मिलेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम 75+ सीटें जो है उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, हमारे मन में जरा सी भी कोई आशंका नहीं है। और जो है पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन होने के बावजूद जी उनकी जो है सीट उनका जो मत प्रतिशत था वो 36 नहीं क्रॉस कर पाया था, इस बार जो है सपा बसपा का गठबंधन आपकी दृष्टि में नहीं दिखाई दे रहा है, इस बार गठबंधन जो है वो सपा और कांग्रेस का है, तो मुझे लगता है कि 35% भी जो सर्वे में दिखाया जा रहा है उतनी भी संख्या आ पाएगी, इसमें आशंका है जी। तो बिल्कुल प्रेम जी का कहना है कि इससे भी बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी या NDA करेगी उत्तर प्रदेश में। अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हैं, उनका रिएक्शन लूंगा, लेकिन अनुराग जी एक बात मैं और भी बता दूं, हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस से प्रवक्ता, उनको भी बोलना है क्योंकि सीट शेयरिंग पर अभी आपकी बातचीत होनी है, कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा ये बाद में तय होगा, लेकिन वक्त का ख्याल जरूर रखिएगा, कांग्रेस के लिए भी वक्त जरूर छोड़िएगा बोलने के लिए। जी अनुराग जी, क्या कहना है आपका ये जो ABP सी वोटर का जो सर्वे आया इस पर? देखिए एक बात तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात तो बताएंगे लेकिन दूसरों की बातों को भूल जाएंगे। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो राष्ट्र के मुद्दों पे होगा, राष्ट्र का मुद्दा मैंने पहले ही बोला, जिस तरह से लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है, संविधान और संसद का जिस तरह से अपमान सामने देखने को मिल रहा है, विपक्ष को किस तरह से बोलने से रोका जा रहा है जनता सब देख रही है, किस तरह से ये हम जब जात जनगणना की बात बोलते हैं तो ये उसका विरोध करते हैं लेकिन जब उनको राजनीति करनी होती है तो जात की बात ले आते हैं। जात जनगणना हमारे लिए सामाजिक न्याय का विषय है और जात इनके लिए राजनीतिक विषय, फर्क इतना है। ये प्रभु राम हमारे लिए आस्था का विषय है, ये उसकी राजनीति करते हैं, फर्क इतना है और जनता इस बात को जान चुकी है। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को करीब 37% वोट मिला था, अगर उसके हिसाब से आज हम देखेंगे तो हम 33-34 सीटें लोकसभा में खड़े हैं इस समय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि उनको ये लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, लेकिन जमीन की अगर हकीकत आप जानेंगे, अगर आप जमीन पे जाके लोगों की से बात करेंगे तो लोग अब यही कहना चाहते हैं कि बहुत हो गया भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने सिर्फ हमें सपने दिखाने की बात की, हकीकत की बात नहीं की है। अब चूंकि ये इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन एक साथ सिर्फ राष्ट्र के मुद्दों को लेकर आया है तो इंडिया गठबंधन की बात भी अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता करेंगे लेकिन NDA की बात नहीं करेंगे। हम इनसे कभी नहीं पूछते कि आपने ADM का आपका साथ छोड़ के क्यों चला गया, मैं इनसे नहीं पूछते कि इनके चिराग पासवान या उनके चचा कहां से लड़ेंगे, हाजीपुर से कौन लड़ेगा, नहीं बताएंगे। इनसे पूछो NCP में आप अजीत पवार गुट को कितनी सीटें देंगे या शिवसेना की जो शिंदे पार्टी उसको कितनी सीटें देंगे, नहीं बताएंगे। अपना दल को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें देंगे, नहीं बताएंगे। निषाद पार्टी को कितनी देंगे, नहीं बताएंगे। और राजभर जी को कब मंत्री बनाएंगे, रोज दिल्ली से लखनऊ से दिल्ली रोज डेट बताते रहते हैं, अभी मंत्री बनने वाले अभी नहीं बनने वाले। तो मेरा मत कहने का साफ है कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के आंकड़े आप दिखा रहे हो ये आंकड़े आज तक दूर दूर तक उनके पक्ष में नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपने 10 के आंकड़े पार कर ले ये भी बहुत बड़ी बात होगी। चलिए बिल्कुल, तो सुरेंद्र राजपूत जी मैं चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया भी, अनुराग भदौरिया ने अपनी बात कही और बिल्कुल आपके लिए भी उन्होंने बाकायदा समय छोड़ा है, बैठन दी है बड़े इत्मीनान से, एक अच्छा संकेत है। निश्चित तौर पर अच्छा संकेत है, इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो हो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं जी। हम तो दो चीजें बड़ी साफ जानते हैं, कहते हैं ना कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे डाले जाएंगे। हम तो 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 51% वोट, 49% वोट, 50% वोट आ भी सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं, जो कि जिस तरीके की बात होती है या चीजें होते हैं, वोट तो जनता को डिसाइड करने। लेकिन एक चीज है कि कुछ चीजों के बैरोमीटर्स होते हैं, आप अगर पिछले साल के इलेक्शन देखें तो शायद 9 इलेक्शन हुए थे जिसमें 5 भाजपा हारी और 4 भाजपा जीती, तो अगर 5 भाजपा हारी उत्तर प्रदेशों के इलेक्शन और 4 भाजपा जीती है
तो निश्चित तौर पर भाजपा अंडर है, लेकिन अभी तीन राज्यों को जीत करके हमारे जितने मीडिया के साथी हैं ऐसा भाजपा का परचम लहरा रहे हैं कि जैसे बाप रे बाप क्या हो गया क्या नहीं हो गया समझ में नहीं आता। तो हमारा ये है कि हम ये जो मानसिक आप लोग ताकत लगा रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये आप लगाइए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, इसकी ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है सब अपनी जगह पर है। आपको मैं बताऊं रोहित भाई जी, उत्तर प्रदेश के कुछ बैरोमीटर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव हुआ, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पास प्रचंड बहुमत, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास प्रचंड बहुमत, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी योगी जी ने मिलकर के दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से उठाया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, और उसके बाद उस प्रचंड बहुमत के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ और सारे अपने संसाधनों के साथ उन्हें घोसी में चुनाव लड़ाया जी। चुनाव लड़ाने के बाद एक साधारण सा इंडिया ब्लॉक का कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट सुधाकर सिंह उनके सामने खड़ा हुआ, ना धन था ना जन था ना बल था ना सरकार थी, उसके बाद भी 40,000 से ऊपर से घोसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। आपके सामने है तो उत्तर प्रदेश में एक ये वानगी है आज की डेट में, आप इसकी मार्केटिंग कुछ भी करें, हम आपकी मार्केटिंग को एक मिनट सर, हम आपकी मार्केटिंग को कोई चैलेंज नहीं करते, आपके विज्ञापनों को हम कोई चैलेंज नहीं करते। तो मेरे लिए जो इस तरीके के जो पोलिंग सर्वेज हैं या सारी चीजें हैं ये एक मार्केटिंग गिमिक्स या एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आखिरी बात मैं कह देता हूं आपसे, एक छोटा सा फहमीदा रियाज का शेर था, विनोद जी भी जानते हैं, प्रदीप भाई को तो अब मतलब नहीं रहा शेर शायरी से, कहते ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर इस पल में तुम जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन रहा है। बिल्कुल सुरेंद्र भाई आपके पास आते हैं, और लेकिन मैं अब सीधे संजय त्रिपाठी के पास चलूंगा, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है, ठंड में खड़े हैं, कड़ाके की ठंड में बाहर। संजय क्या कुछ कहना है, लखनऊ में कुछ युवा मैं आपके साथ देख रहा हूं, जो भी अगर ओपिनियन पोल आया लोकसभा चुनाव का पहला, उसमें बीजेपी को एक तरफा बढ़त 73 से 75 सीट, क्या कुछ कहना है यहां पर जो लोग आपके साथ मौजूद हैं? बिल्कुल रोहित, जो भी आंकड़ा है मैंने इन लोगों के साथ शेयर किया तो उसके बाद से लगातार यहाँ चर्चा ही हो रही है, इंतजार कर रहे थे ये लोग कि कब इनका नंबर बोलने के लिए आए। 73 सीटें अब तक का सबसे बड़ी फतेह जो भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है एबीपी न्यूज़ के सर्वे पर, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, जो आदरणीय योगी जी का सुशासन और राष्ट्रहित में मोदी जी के जो निर्णय हैं वो जनता ने उसको मुद्दा बनाया है, अपने कष्टों को सहते हुए। ये अलग बात है थोड़ी महंगाई बढ़ी है, ये अलग बात है कि जो कर्मचारी वर्ग है उसकी क्रय क्षमता घटी है, परंतु जो कर्मचारियों को अच्छे वातावरण में काम करने के लिए मिला और जो राष्ट्रहित में मोदी जी ने जो निर्णय लिए हैं, आज हमारा देश ये दिखता है कि हम अमेरिका की आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि अमेरिका की आंखों में आंख डालने की हिम्मत अब कर रहे हैं, क्या इसी तरह की सारी वजह हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी बंपर विजय नजर आ रही है? मोदी जी ने भारत का नाम पूरे विश्व में बहुत बड़ा कर दिया है आज की डेट में, और योगी जी ने उत्तर प्रदेश को भारत देश में सबसे बड़ा स्टेट कर दिया है आज की डेट में। अगर देखा जाए तो कम दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज़ वाले, हमको तो ऐसा लग रहा है कि दूसरे पार्टी का एक सीट भी कोई नहीं जीतेगा, 80 में 80 टोटल सीट आएगी उत्तर प्रदेश। दावा कर रहे हैं एक भी सीट नहीं दूसरी पार्टी। देखिए, हो सकता है, बिल्कुल सच्चाई है इस बात में, मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ऐसे ही 80 की 80 सीटें हम लोग निकाल लेंगे। उसका रीज़न ये है कि ये भाजपा जो है ऐसा नहीं कि आज चुनाव है तो वो काम कर रही है, वो लगातार वो लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, उनकी जो टीम है सारी चीज़ें काम करती है, तो इसका रिजल्ट आना है। और बाकी पार्टियां क्या है, जब चुनाव आ रही हैं तो आप मैदान में आ रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, चुनाव आ गया आप टिकट लेके चुनाव लड़ने चले आ रहे हो, ऐसे एकदम पे नहीं होता है चीज़ें, आपको मेहनत करना पड़ेगा, युवा हैं आपको थोड़ा दौड़ना करें लगना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इतनी बम्पर जीत की वजह आपको क्या लगती है? मुझे लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनका जो प्रशासनिक कार्य है अपराधियों के खिलाफ, आज उत्तर प्रदेश की सारी जनता। बिल्कुल संजय, तो ये तमाम जो लोग हैं इनकी राय है। अब मैं, हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं मेरे स्टूडियो में, खास मेहमान हमारे विनोद अग्निहोत्री जी, क्या कहना आपका जो ये 75 का आंकड़ा यहाँ पर सामने आ रहा है, 73 से 75 का? अनुराग भदौरिया जी ने अपनी बात कही, वो वैसे अभी फिर कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास मैं आता हूं बाद में।
इसे आप किस तरह से देखते हैं, ये क्या रिफ्लेक्शन है, क्या संकेत ये दे रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का असली डबल इंजन है, जो आपके संवाददाता बात कर रहे थे, सही बात निकल जाएगी, लोगों से जो बात कर रहे थे जी, तो आपने देखा दीजिए, अग्निहोत्री जी मैं 10 मिनट बोल लूं, 10 सेकंड फिर आप रख लीजिएगा, आपसे चुरा ले रहा हूं 10 सेकंड, और इतना मित्रता के नाते दे सकते हैं। चलिए, अभी 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 लखनऊ में जब इनके पत्रकार पूछ रहे थे, कह रहे सो कॉल्ड जनता में जो इन्होंने बीजेपी के लोग खड़े किए, पता क्या करे, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मतलब समझ गए ना, हम लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी, तो आप जनता से पूछ रहे थे कि हम लोग से पूछ रहे थे? उसने क्या बोला, उससे पूछे कि 73 सीटें आ रही है, तो उसने कहा हाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, माने हम लोग मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछोगे तो कैसे बोलेंगे? आप आम जनता से, आप एक 10-90 पे खड़े होइए ना, आप आम जनता से पूछिए ना, जो ठेली लगाता है, जो आइसक्रीम बेच रहा है, जो नमकीन बेच रहा है, जो वहां घूम रहा है, उससे पूछिए, वो बताएगा कि किसकी सीटें कितनी आएंगी। आप नेताओं से पूछ के कह रहे हो, ओपिनियन पोल दे रहे हो कि नहीं, वो संजय त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, संजय सकते हो कि किसके नेता थे वो, जवाब चाह रहे हैं तो मैं उन्हें जवाब दे सकता हूं। अनुराग जी मेरी बात सुन लें, आप जिनको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बता रहे हैं ये चेहरे पहचान लीजिए, अगर इनमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, हमें इस बहस में नहीं पढ़ना है, लेकिन अनुराग भदौरिया साहब मुझे लगता है कि अगर कर सकता है जी, अगर ये चाहने वाले हैं तो अपने चाहने वालों को भी कहिए सड़क पर उतरिए, लोगों के बीच में जाइए, बात करिए। अग्निहोत्री साहब आप बात बोलिए, अनुराग भदौरिया जी ने 10 सेकंड मांगे हैं लेकिन वो 10 मिनट भी ले सकते हैं। नहीं कहो तो हम सड़क पे हम निकल जाएं, कहो हम नहीं, हम मोबाइल लेके निकल जाएं, आपको आपको दिखा दे कौन क्या कह रहा है, बताइए, ठंड में हमें तो निकलने में देर नहीं लगेगी, बिल्कुल अपना अनुराग भदौरिया साहब, आप बिल्कुल सड़कों पर निकलते हैं, आपके कई वीडियोस भी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। अग्निहोत्री जी आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, अनुराग जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं, और हर पार्टी प्रवक्ता को इस तरह रखना भी चाहिए, वो है ना, वो कबूर छाणा खेत सूरा सोही जी, तो खेत कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को, तो इसलिए मैं उनको सम्मान करता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत मजबूत प्रवक्ता हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा हम लोगों को जो है यथार्थ को देखना चाहिए जी। 2014 से लेकर के जितने चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, अभी जैसे सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि साहब घोसी का उदाहरण दिया उन्होंने, भाई सुरेंद्र जी 2018 में 3 उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, और तीनों समाजवादी पार्टी जीती थी, गोरखपुर, फूलपुर और कैराना जी, और नूरपुर का विधानसभा चुनाव भी जीती थी, और उस वक्त भविष्यवाणी सबने कर दी थी, इंक्लूडिंग मैं अपनी बात भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो है आधार उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है, और अब लगता है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान होगा, लेकिन और सपा बसपा का गठबंधन भी हो गया, हम सब मान के चल रहे थे भाजपा 30-35 सीट से आगे नहीं निकल पाएगी जी, लेकिन वो 64 सीट पर एलाइज मिला के पहुंच गई। तो ऐसा नहीं है, हर चुनाव का उपचुनाव जितना भी एक संकेत होता है, लेकिन उसके बाद पार्टियां कोर्स करेक्शन भी करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात मान लीजिए कि वो कोर्स करेक्शन करना बहुत बेहतर जानती है। जब सारे सर्वेक्षण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे विधानसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ में खुद बीजेपी के लोग कहते थे कि सीटें बढ़ जाएं तो बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत गई, बिल्कुल। तो ये तो मानना पड़ेगा ना, भाजपा का जो अभी जो लोग कह रहे थे, भले वो समर्थक होंगे, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं होंगे मान लीजिए, समर्थक होना कोई गलत नहीं है, तो वो जो कह रहे थे कि भाजपा के कार्यकर्ता और नेता हमेशा जनता के बीच रहते हैं किसी न किसी कार्यक्रम को लेकर, और ये बात सही है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो अपने कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई दे करके लगातार जनता के बीच में सक्रिय करता है, जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या और पार्टियां हैं वो शायद अभी उतना नहीं कर पाती हैं। ये एक वजह है कि आपका जनता से जो क्या यही वजह है कनेक्ट नहीं बन पाता है। जी जी, आपके पास होगा प्रदीप जी, जो विनोद जी कह रहे हैं बात, उन्होंने बात कही, लेकिन जो लगातार 14, 19 और अब 24 की जो तस्वीर जी, 17 भी है बीच में, अगर बात करें 22 की बात करें विधानसभा चुनावों की, ये जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, भले अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि उनका अपना तर्क है और बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन ये जो तस्वीर है, ये जो 73-75 की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, क्या संकेत है, किस बात का संदेश है? नहीं देखिए रोहित जी, ऐसा है कि चुनाव परिणामों पर नज़र डालिए, बीजेपी ने 2014 में अपना सामाजिक आधार उसका विस्तार किया जी, और उसके बाद के चुनावों में उस सामाजिक आधार को पुख्ता किया,
और सामाजिक आधार कितना पुख्ता है इसका, इसकी परीक्षा केवल चुनाव में होती है, बिल्कुल, और चुनाव नतीजे से पता चलता है। तो 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव, चारों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने ये स्थापित किया कि उनका जो उत्तर प्रदेश में सामाजिक आधार बढ़ा है वो पुख्ता हो चुका है, उसको हिलाने की शक्ति अभी विपक्ष के पास नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी होगी नहीं या कभी ये स्थिति बदलेगी नहीं, कब भविष्य में क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में हम जब बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो जनाधार है, सामाजिक आधार है, वो बहुत पुख्ता है, बहुत मजबूत है, और ये सर्वे के आपके आंकड़े जो है इसी की कहानी बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो सामाजिक आधार बन गया है वो जो है उसको हराना, उसको उससे मुकाबला करना विपक्ष के लिए कठिन हो रहा है। जब 19 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो अर्थमेटिक को देखकर लगता था कि अब बीजेपी के लिए टिकना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन नतीजा जो आया हम सब ने देखा कि नतीजा किस तरह का आया। अब इस बार जो है न तो सपा बसपा का गठबंधन है, कांग्रेस और सपा का शायद सीट एडजस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन उसमें भी 4 से 6 से ज़्यादा सीटें दिखाई नहीं दे रही हैं, आपका सर्वे ये कह रहा है। तो जो सर्वे कह रहा है और जो ज़मीन पर सामाजिक आधार है बीजेपी का, वो दोनों मेल खा रहे हैं। अब बाकी तो जनता पर है क्या क्या फैसला। बिल्कुल, ये एक अनुमान है सर्वे के मुताबिक। बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी को आपने सुना, अनुराग भदौरिया को आपने सुना, ठीक है, आपने कहा कि डबल इंजन का असर है, मोदी की गारंटी है, ये तमाम बातें आप गिना रहे हैं, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है, अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना की बात इन्होंने कही कि आप लोग जातीय जनगणना पर आप लोग कुछ नहीं कहते, आप लोग चुप हैं, ये तमाम बातें कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय संजय त्रिपाठी जो प्रचंड ठंड में खड़े हैं उनसे आग्रह करूंगा कि किसी बात का बुरा ना माने भाई। तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला वो मतदाताओं को दैत्य तक कहते हैं, अभी तो सिर्फ कार्यकर्ता ही भाजपा कहा गया है, तो इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। जो लोग मतदाताओं को दैत्य तक कह देते हैं, कार्यकर्ता कहें तो कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। अभी उपचुनाव की बात कर रहे थे तो भाई एक उपचुनाव तो गिनाया सुरेंद्र राजपूत जी ने, लेकिन आजमगढ़ में ही जो है लोकसभा के उपचुनाव भी हुए, भाजपा जीती, रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव हुए भाजपा जीती, स्वर में जो है विधानसभा के उपचुनाव हुए भाजपा जीती, तो ठीक है। फिर भी जो है अगर उनको लगता है वो जीत जाएंगे तो भाई ठीक है, पराजय में भी अहंकार पालने की उनकी जो कला उसका अभिनंदन है जी। सुरेंद्र जी, मैं 3-4 चीजें बड़ी साफ है। पहली बात तो मैंने जो आखिरी उपचुनाव था उसकी बात करी, अगर आप स्वार की बात करेंगे, रामपुर की बात करेंगे, तो आपको खतौली की भी बात करनी पड़ेगी। घोसी का उपचुनाव विनोद जी के मैं नजरों में डालना चाहता हूं, बाकी औरों की नजरों से मुझे कोई बहुत ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता, कि घोसी का उपचुनाव विशेष परिस्थिति का था, बाकियों का उपचुनाव था दूसरी परिस्थिति। घोसी के उपचुनाव में आपने प्रत्याशी को चुराया, घोसी के उपचुनाव में आपने दंभ और अहंकार के जरिए एक आदमी को उठाया और कहा अब हमारी पार्टी से लड़ो, तो तब जनता उठी और उठकर के जनता ने कहा कि देखो इस तरीके का अहंकार हम आपका नहीं मानेंगे। जिस दारा सिंह चौहान को उसी घोसी ने जिताया था, उसी दारा में ठीक है यार आप बैठा करके भाजपा वालों से बतिया लीजिए। सुरेंद्र जी सुनिए, चलिए ठीक है आप करिए। आप सुरेंद्र भाई ब्रेक भी तो लेना है अभी, अब आप नाराज, अब आप सबसे ही नाराज है, आपका कहना है कि आपको हमसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुनिए तो आप ब्रेक के लिए तो रुकना होगा। सुरेंद्र भाई ब्रेक के लिए तो रुकना होगा, नहीं आपको पूरा वक्त दिया, नहीं भाई आप ऐसी बात नहीं कह सकते, हम पूरी तरह से आपको सुन रहे थे, सुनेंगे भी, एक ब्रेक के लिए रुकना है। सुरेंद्र जी आप नाराज मत होइए, सुरेंद्र जी नाराज बीजेपी वालों से होइए, हमसे क्यों नाराज हो रहे हैं साहब, अरे रुक जाइए, ब्रेक के लिए रुकना है सुरेंद्र जी, फिर दोबारा आएंगे, फिर दोबारा बात करेंगे, ब्रेक के बाद आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं सुरेंद्र राजपूत जी आज गुस्से में, आजकल गुस्से में बहुत नजर आ रहे हैं, फिर इनके पास आएंगे हम उतने इत्मीनान से और प्यार से उनसे सवाल पूछेंगे भले वो गुस्सा करते हैं। इस वक्त आप उत्तर प्रदेश का सर्वे देख रहे हैं, ओपिनियन पोल देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल, और उसमें साफ तौर पर जो आंकड़ा है वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, एनडीए को 49% वोट मिलने का अनुमान, सपा कांग्रेस को 35% वोट मिलने का अनुमान, बीएसपी को 5% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 11% वोट मिलने का अनुमान। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है,
जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, और सीधा मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा क्योंकि ब्रेक के बाद आया हूं। और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हैं, संभवतः लखनऊ से ही जुड़े हैं। सुरेंद्र जी मुस्कुराइए, आप लखनऊ में, आप तो हमेशा ये कहते हैं लेकिन आप मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं। चलिए अपनी बात पूरी जरूर करिए अब। जी जी सुरेंद्र भाई बोलिए। मतलब रोहित भाई आपसे बिल्कुल कतई कोई नहीं, जब आप बीच में अचानक से टोक देते हैं तो तारतम्य टूट जाता है, मसला सिर्फ इतना जी, आप हमारे दोस्त हैं। तीन चार चीजें मैं ये कह रहा था, मैंने घोसी के चुनाव की मैंने एक विशेष परिस्थिति की बात की थी, नंबर एक। नंबर दो, 2019 के चुनाव में एनडीए को 51% वोट मिला था, तब 64 सीटें मिले। आज एनडीए को 49% आप ही के हिसाब से वोट मिल रहा है, तब 75 सीटें मिल रही हैं। तो मसले, मैं बात सिर्फ आपके डिस्क्रिपेंसीज को, क्योंकि देखिए ना तो चुनाव में सीटें, अगर आपका बस चलेगा तो आप 80 की 80 दे देंगे, प्रेम भाई 80 की 80 ले जाएंगे, हमारा बस चलेगा तो हम 80 की 80 ले जाएंगे सीटें। हम बात कर रहे हैं कि आप जो क्या नाम पैरामीटर्स रखिए वो एक रखिए। जैसे आपने वेस्ट बंगाल में आपने कहा कि वो 16 से 18 सीटें जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और कांग्रेस को और इंडिया ब्लॉक के दूसरे गठबंधन को यानी टीएमसी को आपने अलग अलग लड़ा दिया। भाई 10% हमको वोट दे रहे हैं, 44 उनको दे रहे हैं, अगर हम दोनों मिलकर के आ रहे हैं तो 54 देंगे ना हमको, तो कौन सी सीट जीत जाएगी भाजपा वहां, आप हमें बताइए। और उसी तरीके से उसके बरक्स आप कर रहे हैं, कर्नाटक में जेडीएस को और भाजपा को एक साथ लड़ा दे रहे हैं और हमको अलग लड़ा रहे हैं क्योंकि वो वहां ज्वाइन कर चुकी है। तो इस तरीके की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, अगर इस अन्याय पर भी मैं आपके सामने प्रश्न नहीं उठाऊंगा तो फिर कौन उठाएगा, आप मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल उठाना चाहिए आपको प्रश्न, नहीं प्रदीप सिंह जी उठाएंगे नहीं। अच्छा मैं बोलूं रोहित जी, बिल्कुल अनुराग जी आप बिल्कुल जरूर बोलिए, और मैं प्रदीप जी का रिएक्शन भी लूंगा। प्रदीप जी लग रहा है सुरेंद्र राजपूत जी आपसे भी बहुत नाराज लग रहे हैं, मैं आप लूंगा आपसे जवाब। प्रदीप जी प्रदीप कतई नाराज नहीं, मेरे बड़े हैं। देखिए देखिए सवाल ये है, मैं बोलो देखिए सवाल ये है कि सुरेंद्र जी ने अभी अच्छी बात है कि हमारे घोसी का चुनाव गिनाया, लेकिन सुरेंद्र जी हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये क्यों बोल रही है, घोसी चुनाव तो हारी थी, छोटे चुनाव भी हार गई थी, लखनऊ जिला पंचायत हार गई थी, मिर्जापुर का जिला पंचायत हार गई थी, बरेली का जिला पंचायत सदस्य हार गई थी, छोटे छोटे चुनाव हारने लगी है। अब अगर प्रधानों में चले जाओगे तो वहां भी हारने लगे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की हालत अभी ये हो गई है कि अब उत्तर प्रदेश के छोटे चुनाव भी हारने लगी है, बड़े चुनाव तो हार ही रही है। वो आपने बताया कि घोसी किस तरह से बीजेपी वहां पे घुस गई, बहुत तेजी से लड़ने गई थी ये बताने के लिए कि हम समाजवादी पार्टी को एक दिखाएंगे, उनके विधायक को तोड़ के और ले जाके उन्होंने लड़ाया, उसके बाद वो हार गए। तभी तो देखो आप हालत ये होगी, हारने के बाद मंत्री बनाने में दिक्कत हो रही है, अगर घोसी में हम लोगों ने नहीं हराया होता तो अब तक मंत्री बन गए होते। तो इसीलिए आप सोचिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, एक दूसरे को लड़ाने की राजनीति करती है, समाज के अंदर बंटवारे की राजनीति करती है, और ये जुमलेबाज जो झूठी राजनीति करती है उससे अब जनता ऊब चुकी है। इसीलिए जनता चाहती है कि हम ऐसे नेता को जो समाजवादी और जो हमारे गठबंधन के दल है वो कम से कम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, विकास के रास्ते पे ले जाने की बात करते हैं। जहां तक संजय जी की बात आपने बोली, हमारे भी अच्छे मित्र हैं, ठंड में खड़े हैं, लखनऊ में कड़ाके की ठंड है भाई। आप मेरा तो बस इतना मानना है कि अगर आप रेहड़ी वाले के पास थोड़ा सा कैमरा लगा दीजिए, आइसक्रीम वाले के पास थोड़ा सा कैमरा लगा दीजिए, और जो वहां पे और लोग जो खड़े हैं चलते साइकिल या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं उनका कैमरा लगा दीजिए, माइक लगा दीजिए, तो आपको जवाब सही मिलेगा। लेकिन वो ऐसा करेंगे तो आपको एक निष्पक्ष जवाब मिलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई खड़ा व्यक्ति बोलेगा कि हम लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, माने हम लोग मतलब तो पार्टी का सदस्य हो गए या समर्थक हो गए, इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। अगर हम लोग शब्द नहीं होता तो हम नहीं उठाते, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है, जिस तरह से अन्याय देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में, अगर जिस विधानसभा में मैं लड़ता हूँ वहाँ अकबर नगर है, बताइए वहां पे कम से कम 4,000 लोग रहते हैं, उनका घर तोड़े दे रहे हैं आप, मनुष्य के पहले उनको घर बसाने की कोशिश नहीं कर रहे, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो महिलाएं क्या कह रही थी कि हम तो बीजेपी को ने कहा था कि हम आएंगे, आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपको मकान देंगे, मकान तो दे नहीं रहे, बुलडोजर और चलाने की बात कर रहे हो मकानों को। उन्होंने प्रदर्शन किया तब कोर्ट से जाके स्टे मिला, सरकार ने तब भी नहीं सुना, हमें कोर्ट जाना पड़ा, हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट से स्टे लेके आए। तो क्या 4,000 लोगों को बेघर करने के लिए तो आपको सरकार में नहीं लाया गया है ना, तो क्या वो आपको वोट करेंगे? जो रो रही थी औरतें, जो कह रही थी 40 साल से मैं यहाँ शादी होके आई थी। ठीक है अनुराग भदौरिया साहब, आपको मैं रोकूंगा, और आप मेरा घर अनुराग जी की बात कर रहे हैं, ये भावनाएं कौन भूल जाएगा, कौन भूल जाएगा जिसकी भावनाओं से जुड़ा होगा, जिस घर से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। ठीक है आपकी बात सुनी, अब अगला रिएक्शन लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी दोबारा आऊंगा आपके पास, आपको रोक रहा हूँ।
प्रदीप जी, अभी आपने सुरेंद्र राजपूत जी को सुना, अनुराग भदौरिया भी ये बात कह रहे थे, ठीक है ये लोग दावा जरूर कर रहे हैं और इनका कहना, लेकिन अगर सपा बसपा जब एक साथ लड़ती हैं तो नतीजे सामने हैं। इस बार सपा और कांग्रेस और बसपा अलग लड़ती है, अगर हो सकता है साथ भी आ जाए, भविष्य की बात है, अगर जो अभी की जो ताजा सिनेरियो बन रहा है, अगर बसपा भी अलग लड़ती है उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव, तो तस्वीर, तो मुकाबला किस तरह का होगा प्रदीप जी? नहीं देखिए, सपा और बसपा के साथ लड़ने से अर्थमेटिक एक थी, उसकी केमिस्ट्री बनती तो उसका नतीजा दूसरा आता, लेकिन केमिस्ट्री बनी नहीं जी, तो इसलिए उस तरह का नतीजा आया नहीं जी। अब सपा और कांग्रेस के पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में, जो वोट उसको वो किसी दूसरी पार्टी को, गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर कर सके जी। ऐसे में सपा की जो अपनी ताकत है उसको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, उसका जो कोर वोट है मुस्लिम यादव का उसमें उसको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, इजाफा करना पड़ेगा, तब भाजपा से मुकाबला ज़्यादा नज़दीकी होगा, ज़्यादा कड़ा मुकाबला होगा। बिना उसके अपना सामाजिक आधार बढ़ाए बिना समाजवादी पार्टी जहां है वहीं रह जाएगी। अगर वो अपना सामाजिक आधार बढ़ाती है, जिसकी कोशिश अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, अब वो कितना रिजल्ट में बदलता है ये देखने की बात है। ठीक है, एक रिएक्शन प्रेम शुक्ला जी का भी मैं यहां लूंगा। प्रेम जी, क्या क्या अगर बसपा अभी की जो स्थिति है तो बसपा तो अभी अलग है, अगर बसपा, हालांकि पिछली बार भी चुनाव में एक साथ लड़ी थी सपा बसपा एक साथ लड़ी थी, तो क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है आप अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? दोहराएंगे नहीं, बढ़ाएंगे। और देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी बड़ा आपत्ति कर रहे थे कि आप परसेंटेज बंगाल वाला जोड़े क्यों नहीं जी। पिछली बार का आप विधानसभा का उत्तर प्रदेश का एक मानक पकड़िए, दोनों को मिलाकर सपा बसपा का कुल वोट जो है 44% से ऊपर था विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी 40% था अकेले में। इसी कारण लोगों ने माना था कि सपा बसपा ज़्यादा सीटें पाएगी। जब लोकसभा चुनाव हुए तो सपा बसपा का कुल वोट 37% हो गया, भाजपा और हमारी NDA का 51% हो गया। तो सारा जो वोट है एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होता, ये जो है चुनाव के सही परिणाम है। और एक नहीं, ऐसे आप अनेक चुनाव परिणामों को आप अलायंस पार्टनर सारे वोट एक दूसरे को ट्रांसफर करते, ऐसी स्थिति आज तक किसी चुनाव में अब तक नहीं हुई है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी को अगर आशा है तो आशा करते रहे। वो मेरा, मैं 5 सेकंड की एक बात खाली कहना चाहता हूँ रोहित भाई। मैंने सिर्फ आदरणीय प्रेम शुक्ला जी के ही दोनों वोट परसेंटेज को कहा था। मैंने कहा कि 2019 में 51% वोट मिलकर के भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगियों को 64 सीटें मिली थी, और आज 2024 में आप ये कह रहे हैं कि 49% यानी 2% वोट उन्हें कम मिलेंगे, लेकिन सीट उनकी 75 हो जाएंगी। ये इसमें विरोधाभास, अपनी आपकी उसकी कोई बात नहीं कर रहा हूं, अपना चेक करिए। नहीं उसका, आप उसका भी, इसका भी, अरे 10 सेकंड मुझे भी दे दीजिए, 10 सेकंड मुझे दीजिए, बोले ठीक है 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, बस सुरेंद्र जी 10 सेकंड देखिए, तब आपका इनका जो मानक है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तब सपा बसपा का गठबंधन था, RLD उस गठबंधन का हिस्सा थी, और कांग्रेस से रणनीतिक गठबंधन अमेठी रायबरेली को लेकर था। आज अभी तक सपा कांग्रेस और RLD का गठबंधन तो दिख रहा है, बसपा का गठबंधन आज जब ये पोल कर रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहा है इनको। तो अगर बसपा के लोग खड़े होंगे और आपका वोट ले गए, अरे परसेंटेज की किसका बात नुकसान होगा, वो कोई साधारण पे संभवता जो है कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, विनोद अग्निहोत्री साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं, विनोद अग्निहोत्री साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, ये जो सर्वेक्षण है जी, आज की जो परिस्थिति है, जब इंडिया गठबंधन की कोई मुकम्मल तस्वीर अभी सामने नहीं आई है जी, अभी उनका विजन डॉक्यूमेंट नहीं आया है, उनका मुद्दा सामने नहीं आया है, अभी उत्तर प्रदेश में क्या तस्वीर होगी, अभी वो सीटों का एडजस्टमेंट क्या, वो सारी चीज़ें अभी नहीं आई हैं जी, तब के हिसाब से है। लेकिन इंडिया गठबंधन का अगर मुकम्मल एक मामला बनता है, 31 दिसंबर तक उनकी सीटों की शेयरिंग हो जाती है, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता नीतीश कुमार क्या UP से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये सब मिलकर कैंपेन करते हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदल भी सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है आज की तारीख में सर्वेक्षण जो है वो अपनी जगह, जिस तरह की बिखरी हुई स्थिति है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि अभी सारी चीजें स्पष्ट नहीं है, तो आप मान सकते हैं कि वो लगभग उस दिशा में है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत की इस बात में तो दम है कि 49% में 73 कैसे और 51% में 64 कैसे, ये बात इसका स्पष्टीकरण मैं दे सकता हूँ,
ना प्रेम जी दे सकते हैं, ना आप दे सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण जो सर्वेयर हैं, सर्वेक्षण करने वाले एजेंसी के लोग वही दे सकते हैं। बिल्कुल, संजय त्रिपाठी के पास चलते हैं। संजय, बिल्कुल आपके साथ लोग मौजूद हैं, हालांकि अनुराग भदौरिया साहब को थोड़ी सी वहां दिक्कत जरूर थी कि आप, उन्होंने पर्टिकुलर कुछ लोग बताए कि उनके पास आपको जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप जरूर इनसे बात करिए, क्या कुछ इनका कहना है। देखिए अनुराग जी की सलाह का आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन ये लोग जो मौजूद हैं उनसे लगातार वही सवाल, वही चर्चा हो रही है। एबीपी न्यूज़ के सर्वे में जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होने वाली है। क्या ऐसा सत्य है, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि जो है जिस तरीके से भाजपा यहाँ पे काम कर रही है उससे मुझे, अब उन्होंने सर्वे में क्या बताया है क्या नहीं उतनी जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से युवाओं के खिलाफ सरकार काम कर रही है उससे तो मुझे नहीं लगता कि सरकार दोबारा आनी चाहिए, है ना। और युवाओं के खिलाफ, जैसे युवाओं के खिलाफ बोले तो ना रोजगार का कोई संसाधन है, जैसे यहाँ पे अखिलेश यादव जी ने आईटी हब स्टार्ट किया, मतलब युवाओं के लिए कई रोजगार के ऑप्शन दिए उन्होंने, लेकिन आज जो स्थिति है इस समय अपने उत्तर प्रदेश की और खास करके अपने भारत देश की, बेरोजगारी बड़ा विषय बता रहे हैं, बेरोजगारी का बड़ा विषय है, क्या लगता है? देखिए बाबा जी के बारे में क्या ही बोले हम, बाबा जी तब की 80-80 पूरा क्लीन स्वीप करेंगे। बेरोजगारी की बात उठा रहे हैं, बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी है, लेकिन जो बेरोजगार है वो अपने जो वो कर रहा है, डिजर्व कर रहा है वो है, जो नहीं डिजर्व कर रहा है वो बेरोजगार है। बस क्या लगता है, ये बेरोजगारी की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं सरकार ने रोजगार प्रदान करने की दिशा में बहुत कम काम किया है और ये कहीं ना कहीं हार्म करेगा सरकार को अगले चुनाव? पिछली सरकारों के बेरोजगारी के बारे में शायद इनको जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव और मायावती सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी थी उत्तर प्रदेश में। अगर इस समय बात की जाए बीजेपी सरकार में तो बेरोजगारी दर सबसे कम है और स्पेशली जो है उत्तर प्रदेश में। तो योगी जी तो 80-80 सीट लेने, मतलब लेके आ रहे हैं, आप चाहे कोई बात करिए। लेने को तैयार नहीं, 80-80 सीटें लाएंगे, ये बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाजपा आएगी बंपर जीत। बात है, भाजपा तो आनी आनी है, बेरोजगारी ऐसा है नहीं। जब कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है तो कहाँ से कोई चीज़, बस एक मुद्दा उठा के चले बेरोजगारी है। कहाँ बेरोजगारी है, आप जमीनी लेवल पे आके देखो कौन, कितने युवा कितना काम कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए खुद की डेडिकेशन हो, केवल सरकार पे नहीं कि हमारे पास नहीं है बेरोजगार हैं हम, ऐसे तो नहीं होता है। आप कह रहे हैं क्या बेस पॉइंट है, कोई नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है? फैक्टर ये है भाई, ये सरकार जो है युवाओं के विपक्ष में है, सबके साथ है, सबसे बड़े व्यापारी वर्ग हैं, हम लोग भी व्यापार करते हैं, तो उसमें आज के डेट में किसी को वसूली तो नहीं देनी है ना। इस राज्य में सब लोग स्वतंत्र हैं, घूम सकते हैं, व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। इनकी बातों का जो सार तत्व है वो ये है, कानून व्यवस्था बेहतर है। क्या मानते हैं, लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी बंपर जीत की ओर बढ़ेगी? पूरा एकदम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी और सबका साथ सबका विकास जो लेके चलने का नारा है भारतीय जनता पार्टी का। अनुराग भदौरिया जी आपत्ति कर रहे थे कि कुछ भाजपा के लोग खड़े हैं, गेरुए रंग की टी शर्ट पहने हैं, तो ऐसा ना हो इनको भगवा वो मान लें। ये अनुराग जी हरा पहनते हैं तो क्या वो मुसलमान हैं? कलर से आप किसी का रंग नहीं पहचान सकते, जाति नहीं पहचान सकते, धर्म नहीं पहचान सकते। विषय ये है कि हमने सपा को भी देखा, बसपा को भी देखा, भाजपा को भी देखा, बहुत सारी विसंगतियां इस सरकार में हैं। बेरोजगारी निश्चित रूप से जब लड़के पढ़ेंगे लिखेंगे, जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी रहेगी, बट रोहित जी 10 सेकंड, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे आम नागरिक हो, सबसे बड़ी काम होती है सरकारी कर्मचारी। ठीक है संजय, संजय बिल्कुल मैं आपको रोकूंगा, सबसे ज्यादा जरूरी मैं आपको रोकूंगा। इधर अनुराग भदौरिया साहब बड़ा छोटी सी टिप्पणी करेगा, मुझे भी विनोद जी और प्रदीप जी से एक अहम सवाल करना है। जी देखिए, देखिए मैंने आपसे बोला उसमें देखो सब वही हैं, एक बदला है, जो बदला व्यक्ति उसने तुरंत कहा कि रोजगारी या मुद्दा है, बाद बाकी दूसरे ने देखा कि मामला गड़बड़ा रहा है तो उसने इशारा किया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो उसने अपने लोगों को बुला लिया। हम लोग लखनऊ के हैं तो हमें भाषा और बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि वहां हो क्या रहा है। अब मैं बता सकता हूं वहां क्या हो रहा होगा, लेकिन सवाल ये नहीं है। उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान और देश की अर्थव्यवस्था बड़ा मुद्दा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बात करने से कतराती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो प्रवक्ता महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना चाहते। हाँ ये जरूर है, डाटा जरूर दे देंगे अभी और ऐसा बताएंगे जैसे पूरे, आप सोचिए आपके ऊपर है राहुल जी, अभी कर दिया मुझे पता नहीं, लेकिन तैयार हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हर व्यक्ति के ऊपर में 1,40,000 अभी कर लेते हैं रुपए का कर्जा है, लेकिन आप भागिएगा मत। 1947 से लेकर 2017 तक यहाँ पे कर्ज 54 लाख करोड़ रुपए आज हो गया है 205 लाख करोड़।
ठीक है अनुराग जी, मैं आपको रोकूंगा, वक्त कम है, आखिरी दो मिनट में सब मेहमानों के पास आऊंगा। प्रदीप जी आपसे शुरुआत करता हूं। प्रदीप जी, आखिरकार उत्तर प्रदेश में अगर हम 14 से लेकर अभी 23 में हम बात करें और 23 के बिल्कुल आखिर में, ऐसा क्या है जो भारतीय जनता पार्टी ने तो पकड़ लिया, समझ लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी और खासकर कांग्रेस उस मोमेंटम को नहीं पकड़ पाई? क्या कहना आपके? नहीं, दो तीन चीजें देखिए। एक, सामाजिक समीकरण, कि किस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों को पार्टी से और सरकार के कामकाज से जोड़ा जाए। दूसरा, गवर्नेंस। गवर्नेंस में भी सबसे ज्यादा जो मैटर करता है, जिसका असर होता है, वो होती है डिलीवरी। अगर आप नीतियां बनाते हैं, सभी सरकारें नीतियां बनाती हैं, अच्छी नीतियां बनाती हैं, सवाल ये है कि क्या वो लोगों तक पहुंचता है? अगर लोगों तक पहुंचता है तो उसका असर होता है, लोगों तक नहीं पहुंचता तो नहीं असर होता। तो इस ये जो आंकड़े आपके आए हैं, ये बता रहे हैं कि गवर्नेंस में डिलीवरी है जो लोगों तक पहुंच रही है, उसी का असर जो है इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। जी विनोद जी, मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में आखिरकार क्या वजह है? यही सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, किस तरह से, मतलब जिसे कहा जाए अर्श से फर्श वाली स्थिति जो बनी, क्या वजह आप इसके मानते हैं कि हाँ, जैसे सुरेंद्र राजपूत जी, अनुराग भदौरिया भी हैं, ठीक है, ये लोग अभी भी डटे हैं, लेकिन कई इनके साथी वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ठीक है, कई लोग तात्कालिक स्वार्थ देख के भी गए होंगे, कई लोग राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां देख कर भी गए होंगे। नहीं, देखिए, दो तीन बातें हैं मुख्य रूप से। पहली बात तो है जो प्रदीप जी ने पहले कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना सामाजिक आधार बहुत विस्तृत कर लिया है। उसके अलग अलग कारण है। जो 1991 से सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट लेके गोविंदाचार्य जी आए थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आगे बढ़ाया है। समाजवादी पार्टी जो 1990 के बाद मंडल पॉलिटिक्स के बाद सबसे बड़ा सामाजिक आधार उसका बन सकता था जी, उसने धीरे धीरे अपने को मुस्लिम और यादव तक सीमित कर लिया। अगर जो मुलायम सिंह जी ने लास्ट में जो जिस तरह से पिछड़ों को जोड़ते थे, अखिलेश यादव ने 2022 में पूरी कोशिश की और उन्होंने और काफी सफलता मिली, 37% तक वोट उनका गया, नहीं तो इतना वोट कभी मुलायम सिंह जी के टाइम में भी नहीं गया, लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तीसरी जो बड़ी बात है, एक अवधारणा, एक परसेप्शन। परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी हमेशा आगे रहती है, परसेप्शन बिल्डिंग की लड़ाई में, चाहे वो हिंदुत्व का परसेप्शन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का परसेप्शन हो, चाहे वो गवर्नेंस का परसेप्शन हो। जमीन पर कितना है, क्या है, इसका कोई आंकड़ा होता नहीं है, लेकिन परसेप्शन में भाजपा हमेशा आगे रहती है। सुरेंद्र राजपूत साहब, बिल्कुल शार्प आपका रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन संक्षेप में। देखिए, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मैं विनोद जी से सहमत हूं, परसेप्शन की लड़ाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती है, लेकिन परसेप्शन जो है ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं है। 2014 में देख लिया नरेंद्र मोदी जी उगते हुए सूरज थे 9 बजे के, 2019 में दिन में 2 बजे के सूरज थे, 2022 में शाम को 4 बजे के, और अब 2024 में नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर जा चुका है। मोदी जी का करिश्मा नहीं चलेगा। जो आपने गांव में घर में डिलीवरी दी होंगी, अगर बेरोजगारी के खिलाफ आपने काम किया होगा, महंगाई के खिलाफ काम किया होगा, जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ में काम किया होगा, तो जो किया होगा तो जीतेंगे, नहीं तो नेगेटिव वोट जो है वो हमारे पास आएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि इन लोगों ने बतगोलों के अलावा कोई काम के गोले तो किए नहीं। ठीक है, सुरेंद्र जी, मैं रोकूंगा, बिल्कुल शार्प रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन प्रेम जी, बड़े संक्षेप में, वक्त कम है। सिर्फ परसेप्शन नहीं, परफेक्शन में भी हम है। और जो है, जुगनू सूरज की निंदा तो कर सकता है, लेकिन सूरज जितना चमक नहीं सकता है। जुगनू इस जो लगातार जो है निंदा कर सकता है, वो करते रहे जुगनू निंदा, लेकिन सूरज चमकेगा, चमकेगा और चमकेगा। जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का ये ओपिनियन पोल आपने देखा। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार।